हे गाइस, हाउ इज जोश। मैं हूँ चेतन फ्रॉम गिविंग जोश। और ये एक क्विक वीडियो रहेगा, क्विक अनाउंसमेंट रहेगा या जो भी है। मतलब इट्स अराउंड व्हाट आई फील इज हैपनिंग विद पोको एक्स थ्री प्रो एंड पोको इंडिया का अभी जो सिनेरियो है। आपको पता है, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने बोला था कि आई वोंट रिकमेंड द पोको एक्स थ्री प्रो और एनी मेजोरिटी ऑफ द एनी पोको डिवाइसेस फ्रॉम नाउ, बिकॉज ये लोगों ने जिस तरह से हैंडल किया है पोको एक्स थ्री प्रो के सिचुएशन को, उसके बाद बनता ही नहीं है इनको रिकमेंड करना। और भाई, मतलब सब अपने पॉकेट से इतना मेहनत करके पैसे डालते हैं और उसके बाद कोई रिजोल्यूशन नहीं मिलता जब कोई दिक्कत होती है। और वो दिक्कत भी यूजर्स ने नहीं की है, पोको की वजह से हुई थी। और पोको अगर उसको फिक्स नहीं करवा रहा इतना इजीली और छोटी छोटी चीज़ों में अगर वो अटका रहा है चीज़ों को, तो गलत है। बट पोको ने आज अनाउंस किया है पोको की, मतलब यूजर पोको का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है। एक तो नए हेड आ चुके हैं इंडिया में, दैट इज हिमांशु टंडन, इंडिया हेड ऑफ पोको। एंड उन्होंने आज ट्वीट किया, आज नहीं, ये बेसिकली कल का ट्वीट था। आज तो फोन लॉन्च हुआ है नया इनका, पोको F4 5G। बट उसी के साथ बोला गया था कि टू बिग अनाउंसमेंट्स, उसमें एक था कि 6 months ऑफ एक्सटेंडेड वारंटी फॉर दी X3 यूजर्स, एंड इट इज ऑल X3 यूजर्स। ठीक है, ये ऑल का भी स्टार मार्क डाल के बता रहा हूँ आपको क्या सीन रहेगा। पहले देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं, मैंने वीडियो देखा नहीं था पहले। Hello everyone, and I'm sure all of you are as excited as the Poco team for our next big launch, the Poco F4. Amazing thing the phone is coming up with. I'm happy to share that the Poco F4 for the first time will be giving all the F4 consumers double the warranty. ठीक है, 2 साल का वारंटी F4 को बोला है। A few of the Poco users has reached out to me personally expressing their concerns on Poco X3 Pro. I'm here to assure all of you that you don't need to worry. In fact, I'm announcing today that all Poco X3 Pro users will get an extended warranty of 6 months. While we are talking about quality, 6 months का एक्सटेंडेड वारंटी फॉर ऑल यूजर्स बोला है। ठीक है, नीचे जाते हैं। मैं तो ये अभी देखा और अभी पता चला कि भाई लोगों को जो वारंटी अभी भी खत्म है उनका क्या सीन रहेगा वो देखना है। ओके, सो इट्स बीन 2 डेज सिंस माई पोको एक्स थ्री प्रो इज डेड एंड आई विजिटेड द सर्विस सेंटर यस्टरडे। दे सेड मदरबोर्ड विल बी रिप्लेस एंड दे आर चार्जिंग 10,000 रुपीज फॉर दैट। एंड इवन इट्स नॉट माई फॉल्ट, मदरबोर्ड इज जस्ट बिकॉज ऑफ सम बग इन शाओमी एंड पोकोज फोन, इट्स कॉमन। ठीक है, ये कर दिया। डज नॉट बूट वॉज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस, जो भी था, मतलब इन दी एंड जो भी था, यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर आप देखो, बोल रहे हैं कि भाई मदरबोर्ड का इश्यू है तो आपको ही पैसा देना है। हाँ, पहला बात ये था। नेक्स्ट थिंग वॉज कि ये सिर्फ इनका यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं है, ईमेल में भी हम लोग को भेजा गया था द सेम थिंग, दैट फ्यू ऑफ द पोको यूजर्स हैव रीच्ड आउट टू मी पर्सनली एक्सप्रेसिंग द कंसर्न ऑन द पोको एक्स थ्री प्रो। वी स्टैंड ट्रू टू आर कमिटमेंट टू क्वालिटी एंड देयरफॉर वी आर अनाउंसिंग अ एक्सटेंडेड वारंटी ऑफ 6 months टू ऑल द यूजर्स ऑफ पोको एक्स थ्री प्रो। ये कंफर्म करना था मेरे को, क्योंकि अभी भी पता है सीन क्या है हो रहा है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ये फर्स्ट सेल वालों को है, सेकंड सेल वालों को नहीं है, जो इनिशियली 1 month में लिए थे उनके लिए है। और मतलब दूसरे लोग जिनको इस चीज़ का आइडिया नहीं कि क्या हुआ है, वो सब खुश हो रहे हैं कि भाई 6 महीने का यहाँ पर एक्स्ट्रा वारंटी दे दिया गया है। क्या मतलब, अब तो एटलीस्ट मुझे वो टेंशन 6 महीने का कम रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है, 6 महीने एक्सटेंड कर दिए वारंटी, आई एम ऑल्सो हैप्पी। ठीक है, कुछ तो किया, मतलब ये एटलीस्ट वो लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं कि भाई पोको एक्स थ्री प्रो यूजर्स को कुछ तो दिक्कत हो रही है। बट दे स्टिल आरंट एक्नोलेजिंग द फैक्ट दैट फोन्स आर गेटिंग ब्रिक्ड। अभी भी एक बार भी ऑफिशियल ये लोग यहाँ पर आके ये नहीं बता रहे कि एक्स थ्री प्रो में, हाँ भाई, ब्रिक हो रहे हैं डिवाइसेस और हमारी गलती की वजह से हो रहे हैं। ऐसे अभी तक वो लोगों ने बोला है कि जो भी वहां पर अंदर का उनका PMIC, ये जो भी सोल्डरिंग पेस्ट का था, जो वॉट एवर द रीजन, उससे यूजर्स का क्या लेना देना था? यूजर ने कुछ किया नहीं ना, तो फिर यूजर्स को अभी भी क्यों घुमा रहे हो? अभी भी ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो कि भाई हमारी गलती थी? एंड इट्स नॉट जस्ट 1-2 फोन, 10 फोन, 50 फोन, जो ब्लास्ट के केसेस होते हैं, जो 2-3 OnePlus Nord फोन ब्लास्ट हुए थे, दैट इज लाइफ थ्रेटनिंग, वो तो है ही। और वो जितना न्यूज में गया था, दिस इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग बट दिस इज अगेन चैलेंजेस फॉर डेली लाइफ फॉर एवरीवन। कोई बंदा एक ही फोन लेके अगर उसी फोन से चल रहा था सब कुछ, अपनी पढ़ाई के लिए उसी को यूज करता था, काफी लोग अपने ऑफिस यूसेज के लिए, अपने डेली यूसेज के लिए अपने पेरेंट्स को वो फोन देते थे, जो भी रीजन हो, उनके पास तो 50 फोन नहीं पड़े रहते ना। उसी फोन को अगर दिक्कत हो गई तो आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है? आपको पता होना चाहिए ना, एज अ कंपनी दैट इज सेलिंग लैक्स ऑफ दोज फोन। अब लाखों फोन में हजारों फोन लिटरली खराब हो चुके हैं। और मैं अभी के अभी आपको अगर दिखा दूं तो मेरा जो वीडियो था उसके अंदर आप कमेंट्स देखो कितने हैं, एंड दिस इज अगेन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि क्या सीन है। ठीक है, देख लेना कितने कमेंट्स यहाँ पर रहेंगे। वोंट रिकमेंड पोको फ्रॉम नाउ, पोको सी प्रो डेड, ये वाला मेरा वीडियो था। ठीक है ना, आप
वीडियो अगर नहीं देखे हो तो आप जाके देखिए वीडियो, ऑलमोस्ट 1 लाख व्यूज। व्यूज खींचने के लिए नहीं बैठा हूँ मैं यहाँ पे, इससे मेरे को कोई फर्क पड़ा ही नहीं, क्योंकि द मेजर पॉइंट वॉज 1528 कॉमेंट्स ओवर ये 1528 कॉमेंट्स में अगर आप देखो भाई भाई भाई, जहाँ पर भी देखो दिस इज everywhere about the same thing, just a small scratch and they rejected the warranty and then I took my phone to service center after months, they gave me saying no stock of motherboard, I rejected replacement option for obvious reason, same time I had no other choice but to take the replacement option because Poco motherboard is out of stock, I went to other center, they said I opened up in local shop, I have to pay for replacement 13,000 rupees, theek hai, I showed them my service order receipt, they said they cannot find any data showing, मतलब एक सर्विस सेंटर से जाके दूसरे में गया बंदा, वो भी इनके ही लेजिट सर्विस सेंटर्स में, उसको भी भाई दिक्कत करवा दिया, बॉट दिस फोन बैक इन इम्प्रेस बाय द परफॉर्मेंस, ऑल ऑफ अ सडन रीस्टार्टिंग इश्यूज स्टार्टेड टू शो अप आफ्टर द अपडेट, द फोन वुड रैंडमली क्रैश एंड रिबूट एंड देन एवरीथिंग वुड बी फाइन फॉर अ बिट, कंप्लीटली स्टॉप्ड वर्किंग इसका भी, ठीक है, जाते रहो नीचे ही जाते रहोगे, सेम हैपेंड टू मी, ठीक है, और भी नीचे जाते रहोगे, चलता ही रहेगा, मतलब भाई और कुछ है ही नहीं। बहुत लोग मेरे को बोले कि यू टॉक्ड अबाउट इट, अच्छा लगा सुन के, अच्छा लगा कि आप सपोर्ट कर रहे हो, मेरा भाई मेरे को फिर भी खराब लग रहा है क्योंकि देर इज नो रेजोल्यूशन टू इट, माई पॉकेट थ्री प्रो गॉट ब्रिक्ड व्हाइल आई वाज यूजिंग फेसबुक ऑन फर्स्ट सेप, ठीक है, माई डिवाइस ऑल्सो एंड आई एम गोइंग टू शेयर माई स्टोरी, इट ऑल स्टार्टेड, ये था इसका, हाँ हाँ ओके, इसका भी यही था, एवरीथिंग केम टू अ सडन स्टॉप ऑन 16th of March, और मैं बैठ के तो कमेंट सेक्शन नहीं भर रहा ना अपने आप ये आईडीज बना के, सबके अपने चैनल है, सबके अपने कुछ ना कुछ है, देखो लेजिट बंदे, कोई एक एक्स्ट्रा कमेंट मैंने खुद से नहीं किया कि चलो कमेंट्स बढ़ाता हूँ और कुछ अपना एक प्रोपेगेंडा शुरू करता हूँ, सबके अपने नाम है, सबके अपने चैनल, सबके अपने प्रोफाइल पिक्चर्स भी है भाई, ऐसे नहीं है कि मैं कुछ कर रहा हूँ यहाँ पे, एवरीथिंग इज लेजिट ओवर हियर। और इसमें सबसे बड़ा दिक्कत यह है जो आपने नोटिस यहाँ पर किया होगा, जस्ट अ स्मॉल स्क्रैच, इसके बारे में पोको ने अभी तक एक छोटी सी बात नहीं की, ठीक है 6 महीने का वारंटी एक्सटेंड कर लिया आपने, आप क्या यूजर से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो फोन को मिंट कंडीशन में रख पाए, कैसे कोई कर पाएगा, आई डोंट नो कैसे, 1.5 लाख रुपए का फोन ही है, आईफोन 12 प्रो मैं इस पे केस चलाता हूं, बट इफ यू टेक दिस आउट लुक एट द थिंग्स दैट इट हैज, ऐसे ऐसे रहता है ये, तो आपको दिखेगा भी नहीं, इतना गंदा हुआ पड़ रहता है, एंड स्क्रैच ऑब्वियसली स्क्रैचेस आने ही है, क्यों नहीं आएंगे, किसी फोन पर स्क्रैच क्यों नहीं आएंगे, डेंट्स क्यों नहीं आएंगे, नॉर्मली बंदा यूज कर रहा है फोन, और आपको तो फोन को रिपेयर करके दो, अगर आप रिप्लेस नहीं कर पा रहे ना रिपेयर करके दो, बट वो फोन फंक्शनल होना चाहिए आपकी तरफ से, अगर आप जाके अभी भी बोल रहे हो बंदे को कि अरे भाई तुम्हारे फोन में स्क्रैच है इसलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, 2-6 महीने दे दो, 2 साल दे दो, 4 साल का वारंटी दे दो एक्सटेंड करके, कोई फायदा तो यूजर को नहीं होने वाला उससे। सो दिस वॉज काइंड ऑफ, मतलब कैसा था कि आग लग गई है घर में और तुम पानी नहीं है इसलिए ऊपर एक कपड़ा भी इसके लिए लगा के रखे हो कि चलो थोड़े दिन के लिए तो आग किसी को दिखेगी नहीं, है ना, पानी तो डालते तो पूरा का पूरा बुझ जाता, पानी डालने का यहाँ पर मतलब था कि कम्प्लीटली इस चीज़ को ओपनली में आके बोलो और बोलो कि हम अब से सब कुछ रिप्लेस करके, एक बार के लिए हमारा दिक्कत हुआ था, हम इसको पूरा का पूरा फिक्स करने वाले हैं आप लोग के लिए, ये था पानी डालने का। आपने क्या किया, कपड़ा ले लिया मोटा सा और उस पर लगा दिया जहाँ पर आग लगी हुई, ताकि एटलीस्ट अभी के लिए स्टोरी ढक जाए, वही किया ना, अभी के लिए स्टोरी को ढकने के लिए, जिन लोगों को आइडिया नहीं है कि जो सर्विस सेंटर जाएंगे तो ये दिक्कत होगा, उन लोग के लिए हैप्पी न्यूज़ है, वो सब अभी भी खुश हो रहे हैं, वो सब अभी भी ये सोच रहे हैं कि अरे भाई फाइनली पोको ने कुछ हेल्प कर दी मेरी, फाइनली मेरे को एक टेंशन कम हो गया है कि चलो यार मैं बच गया, मेरा थोड़े दिन के लिए एटलीस्ट ये रहेगा कि चलो चलाते रहूँगा फ़ोन को, 6 महीने और है मेरे वारंटी के लिए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बात करी इनके कस्टमर सर्विस से, कॉल पे भी बात की बेसिकली, बट कॉल रिकॉर्डिंग पूरा लंबा है और उसमें कुछ भी यूजफुल था ही नहीं, सेम चीज़ जो चैट में थी, उनके चैट वाले बोल रहे वी डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन एट ऑल, जब मैंने उनको पूछा कि आई बॉट अ फोन 8 मंथ्स अगो 7 मंथ्स अगो और उसका अभी भी मतलब यहाँ से 1.5 साल आप वारंटी देने वाले हो या नहीं, तो बोलते हैं कि देर इज नो अनाउंसमेंट एट ऑल, हमको तो कोई आइडिया नहीं है क्या हो रहा है, पोको का सर्विस सेंटर हो भाई आप, पोको का कस्टमर केयर सपोर्ट हो, और आपके ऑफिशियल हेड वहां पर बोल रहे हैं कि यस यहाँ पर हम 6 महीने का एक्सटेंडेड वारंटी दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं आई डोंट हैव एन आइडिया यार, मुझे कुछ नहीं पता इसका, कैसे, हाउ डू यू नॉट इवन कोऑर्डिनेट बिटवीन योर ओन सेल्स, मतलब एक दूसरों के बीच में पता नहीं रहता क्या, इंटरनली आप मैसेज नहीं भेज सके दूसरों को कि कंप्लीटली कि चलो अब से आपको यूजर्स को बोलना है कि यस तुम्हारा वारंटी यहां तक है, यस तुम्हारा वारंटी है, नहीं है तो नहीं है, जो भी है बता दो एटलीस्ट यूजर्स को, अभी भी लटका के रखा है, बंदे किस भरोसे से रहेंगे कि कुछ होगा नहीं होगा। सो अभी राइट नाउ माई स्टैंड स्टिल इज द सेम,
कि कोई भी भरोसा मेरे को नहीं है पोको पे, और मैंने कम्युनिटी टैब भी डाला हुआ है। कम्युनिटी टैब में मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये चीज़ बोली थी कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आप लोगों से ही पूछूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो मैंने आज 2 घंटे पहले ही यहाँ पर पोल डाला था, हे गाइस एज आई सेड अर्लियर टू एंड ऑन माय स्ट्रीम्स टू यू गाइस, डिसाइड एंड टेल मी इफ आई शुड रिव्यू द न्यू पोको 4 5G विद स्नैपड्रैगन 870। इसमें देखो 88% रिव्यू इट एंड उसमें से 48% आर सेइंग रिव्यू इट एंड स्टिल वॉन्ट यूजर्स अबाउट द पोको स्ट्रीम इन द पास्ट। 12% अभी भी लोग गुस्से में है, मतलब वोट्स भी 300 ही है, उसमें से 12% 25 बंदे तो अभी भी वो बोल रहे हैं कि मत करो रिव्यू। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कर दो, क्योंकि भाई इन दी एंड क्या है, आपको आपका काम करना है और मेरे को मेरा काम तो करना ही है। बट मेरे को सबसे खराब ये लगा कि एक पॉइंट पे जब इतना बोलने के बाद जब पोको एक्स थ्री प्रो इतना खराब हो गया, खराब मतलब चलना ही नहीं था पोको एक्स थ्री प्रो को, तब मेरे को लगा कि क्या करो, मतलब पोको को कैसे नेक्स्ट टाइम रिकमेंड करूँ। करने के टाइम भी मुझे ये दिल में रहेगा कि यार फिर से कुछ होगा इस फ़ोन को, फिर से यूज़र्स आके रोएंगे कि यार मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, मेरा फ़ोन नहीं चल रहा और आप कुछ करके दो। मैं कुछ नहीं कर सकता इससे ज़्यादा, मैं वीडियोस बना के लोगों को बस बोल सकता हूँ कि भाई अगली बार से गलती मत करना। ऑलरेडी एक बार गलती कर दी तो उसके बाद वो अगली बार करने वाला नहीं है, बट नए यूज़र्स तो करेंगे वो गलती, तो आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। एटलीस्ट पोको अभी उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए नए फ़ोन्स में कुछ प्रॉपर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छे से करेगा या नहीं वो तो शायद करेगा ही, बट एक बार पता जब चल गया कि पोको का सर्विस सेंटर तो इतना ख़राब है तो आप सर्विस में तो जीरो एक्सपेक्टेशन, मतलब एक्सपेक्टेशन जीरो रखिए। थोड़े लोगों को खुशी हो गई कि मेरे को एक्स थ्री प्रो के बदले ना रेडमी नोट 10 प्रो के साथ एक हेडफोन दे दिए और एक पावर बैंक दे दिए, बट यू डिड नॉट बाई दोज फोन्स, यू डिड नॉट बाई द रेडमी नोट 10 प्रो, आपने खरीदा था एक्स थ्री प्रो उसके परफॉर्मेंस के लिए। अगर वो उसको फिक्स नहीं कर पाया, उसको रिप्लेस नहीं कर पाया उसी एक्स थ्री प्रो के साथ, देन आपको वो जो भी दिए थे ना वो बस ऐसे ही आपको चुप करवाने के लिए दिए थे। इन द एंड आपके साथ जो हुआ था वो घपला हुआ ही है, और मैं अभी भी ऐसे पर्सनली दुश्मनी नहीं रख के बैठा हूँ पोको के साथ। जो बंदे आके बोलेंगे कि यार आपको पोको के साथ कुछ तो है, मैं आईको का भी ऐसे बात किया हूँ, हर ब्रांड का करूँगा जिनसे मेरे को दिक्कत दिखेगा कि यार है यहाँ पर ये चीज़ इन्होंने जो कि ये गलत है वो तो मैं गलत बताऊँगा ही, वही मेरा काम है वही मैं करता हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मेरे को फ़ोन्स भेजेंगे नहीं भेजेंगे। आप लोगों को लगता है कि भाई रियलमी फ़ोन्स भेजता है रियलमी के बारे में चुप रहता है, जाके एक बार देख लो रियलमी एक्स थ्री के बारे में वीडियोज़ मैंने कैसे बनाया क्या क्या किया है। सो डोंट क्वेश्चन मी ओवर वॉट आई डू, बट एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम जब मैं अगर वीडियो बनाऊंगा, अगर F4 का 2 दिन तक मैं पोल रखूंगा, F4 या F5 जो भी नया फोन आया तो उसका जो भी रिजल्ट आएगा ना उसका मैं यही करने वाला हूँ कि अगर वीडियो बनाऊंगा ना उसमें 3-4 बार तो एटलीस्ट बीच में मैंशन करूंगा कि डोंट टेक माई ओपिनियन अबाउट लॉन्ग टर्म यूजेबिलिटी ऑफ एनी फोन। मेरे को पता नहीं रहता 6 महीने के बाद 1 साल के बाद ये फोन खराब होने वाले हैं। एक्स थ्री प्रो का पता नहीं था मेरे को, किसी फोन का पता नहीं था, हमको कैसे पता रहेगा भाई कि कोई फोन आगे जाके इतना खराब हो जाएगा और पूरा का पूरा बंद हो जाएगा, वो हमें तो आइडिया नहीं रहता ना भाई। तो वो आप याद रख लो, आई स्टिल ट्राई टू सी व्हाट द रिजल्ट ऑफ द कम्युनिटी टैब का पोल इज, और उसके बाद देखते हैं क्या सिनेरियो रहेगा। बट अभी के लिए गाइस जो न्यूज़ आया है ना पोको की तरफ से इट्स नॉट ए गुड न्यूज़, आप उसको गुड न्यूज़ की तरह लोगे तो वो काइंड ऑफ आपको एक प्लेसिबो इफेक्ट दे रहे हैं कि अभी के लिए खुश हो जाओ, बट आपका कुछ होने वाला तो चेंज है नहीं, क्योंकि आपके फोन्स में थोड़े भी डेंट्स या स्क्रैचेस रहेंगे तो आपका वैसे भी वारंटी रिजेक्ट होने वाला है, तो वो याद रख लो आप। तो इतना खुश मत हो, इतना वो मतलब खुश होने का बात वैसे भी था ही नहीं, जब इतना डर डर के फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वो वैसे भी खुशी की बात है नहीं, बट ये ओवरऑल आपको इतना मतलब वो नहीं करना चाहिए कि ठीक है यार पोको ने कुछ तो किया है, कुछ नहीं किया अभी भी, नथिंग हैज चेंज्ड। ठीक है, दैट्स इट, देखते हैं अभी आगे जाके क्या होता है। अभी भी मेरे को वो पता नहीं है कि नए फोन्स का ही था, फर्स्ट ऑर्डर वालों का था, फर्स्ट मंथ वालों का था, या अभी भी जो नए फोन्स ये लोग अगर बेच रहे थे बीच में उसमें भी वारंटी एप्लीकेबल है या नहीं वो तो पता नहीं, बट ऑल बोला है वो लोगों ने, ऑल तो बोला है, बट लेट्स सी अगर कुछ उनकी तरफ से 1-2 दिन में ऑफिशियल वर्ड आया नहीं, लेट्स सी उसके बाद पता चलेगा। तब तक के लिए दैट्स इट गाइस, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कीजिए गेमिंग जोश को, कीप द जोश हाई, सी इन माय नेक्स्ट वीडियो।